झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने आज अपने बोकारो दौरे के दौरान विस्थापित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सभापति रामदास सोरेन ने लोगों से जाकर बात की। सभापति के साथ समिति के सदस्य और जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समिति के समक्ष विस्थापित गांव में रहने वाले लोगों ने आज़ादी के इतने साल बाद भी विकास नहीं होने पर अपनी बातों को रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, जिस कारण कोई भी लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। विस्थापितों ने बोकारो स्टील के द्वारा अधिग्रहित की गई सरप्लस जमीन को वापस रखने की भी मांग की। सभापति रामदास सोरेन ने कहा कि इतने सालों के बाद भी अगर लोग विकास से वंचित हैं तो यह गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि जब लोग विधायक और सांसद को चुनाव में वोट डालकर उन्हें चुनने का काम करते हैं तो आखिर इन्हें तीसरा वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील के द्वारा अधिग्रहित किए गए जमीन को बोकारो स्टील सिटी वापस करने का काम करें और इसे जल्द पंचायत में शामिल करने की भी बात की गई। आज ये MLA बनाता है, MP बनाता है, लेकिन तीसरा वोट देने का ये लोग का अधिकार नहीं है। तीसरा वोट देने का हर लोगों का ये अधिकार है। आज स्थल निरीक्षण करने के बाद सारे रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट करके हम लोग को इन लोगों का हित में यदि जहाँ कंपनी की जितना जरूरत जमीन है वो अपना रखे, लेकिन एक कानून का अनुसार भी ये कहता है कि अगर उसके बाद जमीन अगर यूज नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वैसे जमीन को रैयत को आपस करना चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।